दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों रियलमी अपने यूज़र्स के लिए जो बहुत कुछ करता ही रहता है और अपने यूज़र्स को दोस्तों वो कम से कम प्राइस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देने की कोशिश करता है हमेशा, और वो देता भी है। दोस्तों कल रियलमी ने दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे दोस्तों, रियलमी 7 एंड 7 प्रो। रियलमी 7 की बात करें दोस्तों 15,000 की इसकी प्राइस रखी है और काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स दिए गए हैं। तो आगे वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर आपको जो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों 90.5% का जो आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको बेजल्स जो है काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। और डिज़ाइन की बात करें दोस्तों तो पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट का ही डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, LED फ्लैश मिल जाती है। और बैटरी की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की जो है बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही आपको जो है 30W का वूक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और रियलमी कहता है कि 65 मिनट के अंदर जो है ये आपका 100% चार्ज कर देगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सिम स्लॉट्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप दो नैनो सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है कैमरा टू API का सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको वाइडवाइन 11 का सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप जो है अमेजोन नेटफ्लिक्स पर HD स्ट्रीमिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है आपको दोस्तों LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek का Helio G95। पहला स्मार्टफोन है दोस्तों जिसके अंदर ये आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको जो है दोस्तों दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से जो पहला वेरिएंट है 6GB प्लस 64GB और दूसरा जो है 8GB प्लस 128GB। बात कर लेते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों पीछे की तरफ आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें आपको पावर ऑन ऑफ जो बटन है उसके अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरास की, तो दोस्तों पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें से जो मेन सेंसर है वो आपको मिलता है 64 MP का और दूसरा जो कैमरा है वो आपको मिलता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड मोड के लिए। और तीसरा जो कैमरा है 2 MP आपको ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है और चौथा जो कैमरा है वो आपको 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी की बात करें दोस्तों तो 16 MP की आपको सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो रियलमी 7 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की, तो दोस्तों पहला जो वेरियंट है 6GB प्लस 64GB इसकी प्राइस रखी है दोस्तों रियलमी ने 14999 यानी 15,000 का आपको ये मिल जाता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB प्लस 128GB इसकी प्राइस रखी है दोस्तों 16999 यानी 17,000 का आपको ये मिल जाता है। काफ़ी कमाल की प्राइसिंग रखी है दोस्तों रियलमी ने। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, प्राइसिंग आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।